टाइम आ चुका था कि हम दोनों सोल्जर पार्टी अपने अपने प्लेसेस पे वापस चले जाए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस विफ्ट को ये आशा करी कि वो अपनी फैमिली से जल्द ही मिल सकेगा ये लड़ाई खत्म होने के बाद, ताकि वो अपने घर अच्छे से जा सके। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। हैंस वुल्फ ने भी जिम को ये बोला कि दोनों पार्टी के सोल्जर्स, मतलब ब्रिटिश पार्टी और जर्मन पार्टी, दोनों सोल्जर्स ये चाहते थे कि ये लड़ाई जल्दी से खत्म हो ताकि वो अपने अपने घर जा सके। टेक केयर जिम, हैंस वुल्फ ने जिम को गुड बाय करा, बिड करा और बोला अपना अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। ना हैंस वुल्फ ये कभी भुला पाएगा, ना जिम कभी ये भुला पाएगा कि उन्होंने इस तरह की लड़ाई के बीच में एक क्रिसमस पार्टी एंजॉय करी। He saluted Jim because he was the captain of the army. They both saluted each other and walked away slowly, unwillingly. Jim ko laga ke Hans Wolf ko wahan se jana nahi hai, but phir bhi use jana padega. He turned to wave just once. Jaate jaate wo ek bar piche muda, usne wave kara aur phir wo baki soldiers ki tarah unme jaake mil gaya aur dheere dheere ड्रिफ्टिंग बैक का मतलब धीरे धीरे सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट, जब हम अपने रात में वापस अपने 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 ट्रेंचेस की तरफ अपने अपने जगह वापस मुड़े, तब हम अपने अपने डग आउट्स में गए। डग आउट्स एक शेल्टर होता है जो कि सोल्जर अपने प्रोटेक्शन के लिए एनिमी वॉर प्लेस पे बनाता है, एनिमी से छुपने के लिए। वी हर्ड them singing a carol. Jim के soldiers ने और Jim ने ये realize करा कि British soldiers और German soldiers आपस में carol गा रहे हैं और वो इतना beautifully और इतना melodious गा रहे हैं कि दोनों soldiers आपस में अपने अपने carols share करने लगे। It was still match silent night. German soldiers ये title carol गा रहे थे और ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनका साथ दिया वाइल्ड शेपर्ड वॉच से। दोनों ने अपने अपने कैरल्स एक्सचेंज करे और फिर कुछ देर बाद चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। उस दिन उस टाइम हमने शांतिपूर्वक एंजॉय करा, वो टाइम स्पेंड करा ताकि वो हमारे लिए अच्छा गुडविल ला सके। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। एक टाइम, ये मोमेंट मैं अपने दिल में एज अ ट्रेजर जब तक जिंदा रहूंगा रखूंगा। डियरेस्ट कॉनर, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर द वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी। कॉनी, जिम बता रहे थे कि नेक्स्ट ईयर तक ये लड़ाई कुछ नहीं रहेगी, शायद खत्म हो जाएगी, बस ये एक मेमोरी बन के सबके दिमाग में रहेगी। I know from all that happened today how much armies long for peace. मतलब जिम ने अपनी वाइफ को ये एड्रेस करके बोला कि दोनों आर्मीज हमेशा शांति ही चाहती थी, लड़ाई कोई नहीं चाहता था। We shall be together again soon. I am sure for it. हम जल्द ही मिलेंगे। और अपने लेटर को खत्म करा और एड्रेस करा योर लविंग जिम। This is the second part of the explanation. Students, now we will see the third part of the chapter. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. Author ने वो letter पढ़ा, पढ़ने के बाद वापस उसे fold कर दिया और envelope में डाल दिया. I kept awake all night. Author को रात भर नींद नहीं आई. By morning, I knew what I had to do. और सुबह उठते ही ऑथर को ये पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। I drove to Bridport and author went to Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. अब जब मैं Bridport पहुंचा तब ऑथर ने एक बॉय
एक लड़के से पूछा कि वो जगह कहाँ है जहाँ मुझे ये लेटर डिलीवर करना है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। जब ऑथर उस जगह पे पहुँचे तब उन्होंने ये देखा कि वो घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था बिकॉज ऑफ फायर। द रूफ वॉज गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, नथिंग वॉज देर, ऑल द थिंग्स, ऑल द फर्नीचर वॉज बीन बर्नड आउट। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। मैंने नेबरहुड में नॉक करा ये जानने के लिए कि मिसेस मैकफर्सन अब कहाँ है, वो कहाँ रहती है। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स एंड अ पर्सन केम फ्रॉम द नेबरहुड। ही ओपन्ड हिज डोर, ही वॉज वेयरिंग स्लीपर्स एंड ही सेड द ऑथर दैट ही न्यू वेयर मिसेस मैकफर्सन वॉज। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be. Muddle-headed means a type of a confused person. But उन्होंने ये भी चीज़ refer करी कि age होते होते person की ये tendency बन जाती है confused रहने की। Wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. मिसेस मैकफर्सन उस घर में थी जब उस घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को भी नहीं पता था कि घर में आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। मिसेस मैकफर्सन की हैबिट थी कि वो अपने घर में कैंडल्स जला के रखती थी बजाय इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए। बिकॉज She always thought electricity was too expensive. क्योंकि उन्हें लगता था कि electricity बहुत expensive है, बहुत costly है, इसीलिए वो अपने घर में candles जला के रखती थी। The fireman had got her out just in time. And when the fireman reached the burnt house, उन्होंने Mrs. McPherson को timely और quickly वहाँ से बाहर निकाल लिया था। She was in a nursing home now, he told me. और old man ने author को बताया कि now Mrs. McPherson is living in the nursing house, Burlington House, on the Dorset Road, on the other side of the town. I found Burlington House nursing home easily enough. author को वो nursing home की जगह easily मिल गई। There was paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on the top. I said, I was a friend, come to visit Mrs. McPherson. I bring her a Christmas present. Author ne ye bataya ki wo Mrs. McPherson ke ek friend hai aur wo unhe sirf milne aaye hain. और जिस जगह पे ऑथर गए थे मीन्स अ टाइप ऑफ अ नर्सिंग होम, सो द क्रिसमस ट्री वॉज स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द साइड एंड इट वॉज बीन लाइटेड ऑन द टॉप। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मीन्स ऑथर को ये लगा कि वो लोग क्रिसमस फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू and seemed happy enough to see me. Matron means the lady who was taking care of the nursing home also wore a paper hat and she was very happy to see me. She even offered me a piece of pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others. She told me she would be rather confused today, so we thought it best she had a good rest. She was confused in between among the crowd. तो हमें लगा कि वो आराम करे इसीलिए she was there in her room. She has no family, you know. No one visits. So I'm sure she will be only
टू प्लीज टू सी यू। मैट्रन ने ऑथर को ये बताया कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उन्हें मिलने नहीं आता, इसलिए मिसेस मैकफर्सन ऑथर को देख के बहुत खुश होगी। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इन टू अ कॉन्सर्वेटरी विद विक्री चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल राउंड एंड लेफ्ट मी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। हियर द ओल्ड लेडी रिजेंबल्स मिसेस मैकफर्सन। शी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, मीन्स शी वॉज टू ओल्ड, पाइन इनटू अ क्रिस्पी बन। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने उन्हें एड्रेस करा कॉनी, जैसे उनके हस्बैंड उन्हें एड्रेस करते थे। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मैंने उन्हें बोला कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि शायद ये आपका है। और ऑथर ने उनकी तरफ वो ब्लैक टिन बॉक्स आगे बढ़ा दिया। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। और मुझे लगा कि बहुत स्टेयरिंगली, बहुत सरप्राइजिंगली वो मेरे चेहरे की तरफ देख रही है। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड हैव इट टू हर। मैंने वो टिन बॉक्स ओपन करा और उनकी तरफ आगे बढ़ा दिया। दैट वॉज द मूवमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सॉफ्ट एंड सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और मुझे लगा कि धीरे धीरे उनके चेहरे पे मुझे देख के खुशी आ रही है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैं उन्हें सारी चीजें बता रहा था कि मुझे किस तरह से वो डेस्क मिली, किस तरह से मैंने वो ड्रॉअर ओपन करा और मुझे ये टिन बॉक्स लगा, बट शायद वो मुझे सुन रही थी। शायद ही वो मुझे सुन रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कॉनी सिर्फ उनके चेहरे को ही देख रही है। बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी द ऑथर। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि कॉनी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और जिम ने प्रॉमिस करा था कि वो क्रिसमस पे घर आएंगे और उनसे मिलेंगे। तो हो सकता है मिसेस मैकफर्सन जैसे कॉनी ऑथर को जिम समझ रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनके हस्बैंड घर वापस आ गए। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और उन्हें लगा कि शायद ये उनके लिए लाइफ में सबसे बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस के दिन कि वो अपने हस्बैंड से मिल रही है। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। और वो ऑथर को जिम एड्रेस करने लगी और बोले कि आके मेरे पास बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। It always made me feel you were with me, and now you are. कॉनी ने बोला, हर बार मैं आपका लेटर पढ़ती थी, आपकी आवाज़ सुनने को, और मुझे यह लगता था कि कहीं ना कहीं आप मेरे पास हो। आपकी आवाज़ मेरे कानों में, मेरे सर में गूंजती रहती थी, और देखो तुम आ गए। Now you are back. You can read it to me yourself. अब आप खुद ये लेटर मुझे पढ़ के सुना सकते हो। वुड यू डू फॉर दैट जिम डियर। और उसने जिम से पूछ बोला कि क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ दोगे। जिम को वो बार बार एड्रेस कर रही थी, ऑथर को वो जिम समझ रही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। और सिर्फ मैं आपकी आवाज अपने कानों में दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव लॉट दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जी पेन।
मैंने बताया था मार्जिपैन एक तरह का आलमंड केक है जो कि क्रिसमस फेस्टिवल पे मनाया जाता है। मिसेस मैकफर्सन यानी कॉनी ने ऑथर को बोला कि पहले हम ये लेटर शेयर करेंगे, देन वी विल हैव सम टी एंड द क्रिसमस केक। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन। कॉनी को पता था कि जिम को मार्जिपैन बहुत पसंद है एंड दे बोथ स्टार्टेड शेयरिंग देयर व्यूज ईच अदर। और कॉनी के लिए उसके लाइफ का सबसे बेस्ट प्रेजेंट था जिम को वापस पाना। दिस एंड्स द चैप्टर बाय माइकल। नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।